साथियों नमस्कार। साथियों, पंजाब से एक सिंगर है, जस बाजवा नाम है उसका, और बहुत अच्छा वो किसानों के लिए लिखता है, आंदोलन में काम करता है, आंदोलन के लिए लोगों को तैयार करता है। बहुत अच्छा काम वो कई महीने से लगातार इस किसान आंदोलन में सहयोग कर रहा है। परसों 26 तारीख को जिस दिन प्रदर्शन था पंचकुला में, वो उस दिन पंचकुला में हमारे प्रदर्शन में हमारे साथ था, मेरे साथ में था, लेकिन उस पर मुकदमा दर्ज किया है चंडीगढ़ पुलिस ने कि पंजाब से जो लोग बैरिकेड तोड़ के आए हैं, वहां पे वो अंदर आया है, उसने गड़बड़ी की, उसने बैरिकेड तोड़ा, उसने पुलिस के साथ ये किया वो किया है, कई धाराएं लगा के उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। वो मेरे साथ में है, वहां है भी नहीं, पुलिस कोई वीडियो नहीं दिखा सकती। हम चैलेंज करते हैं पुलिस को कि अगर वो वहां है कोई वीडियो उसकी सार्वजनिक जारी करें, और उसको प्रताड़ित करने के लिए कि वो किसानों के लिए क्यों काम कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है और कई धाराएं लगा दी हैं। हमारी साफ चेतावनी है पुलिस को कि इस तरह से अगर आप इस तरह से लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराओगे तो फिर हमें अपना एक्शन कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा। चंडीगढ़ पुलिस को हम बिल्कुल चेतावनी देना चाहते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस बाज है, इसका तुरंत इसका मुकदमा रद्द करे, अपने वीडियो देखे, जांच करे, तुरंत इसका जो है मुकदमा रद्द करे। और अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है, अगर पुलिस ये सोचती है कि इसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर देंगे बाहर नहीं जा पाएगा, ये विदेश नहीं जा पाएगा, उनके डरते बैठ जाएगा, तो हम हर तरह से इस लड़के की मदद करेंगे। और मैं सबसे बेनती करूंगा कि अगर इसका मुकदमा दर्ज जो है कैंसिल नहीं करते, तो फिर आप सब लोगों को, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे वो कहीं के हैं, पूरे देश के हैं, ऐसे लोगों के जो है वो हर जगह पे मदद करनी चाहिए और हर जगह पे हमें सरकार का विरोध करना चाहिए। और अगर इस लड़के का मुकदमा दर्ज जो है वो कैंसिल ना किया, तो हम कुछ ना कुछ चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी। इसलिए मेरा एक बार फिर चंडीगढ़ पुलिस से अनुरोध है कि ये तुरंत ये मुकदमा रद्द करे इसके खिलाफ, इसको बाहर निकाल उस मुकदमे से। ये उस दिन मेरे साथ था, मैं उसका अगुवा हूँ, हमारे पास वीडियो। सबका धन्यवाद।